तो गाइस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपने एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है और अप्लाई किए हुए करीबन 1 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने हो गए हैं और अभी तक आपका एटीएम कार्ड आपके होम एड्रेस पर डिलीवर नहीं हुआ है, तो इस वीडियो में मैं आप लोग को डिलीवर ना होने का कारण और साथ में एक ऐसा ट्रिक आप लोग को बताने वाला हूँ एटीएम फॉर्म फिल करते समय आप लोग को क्या करना चाहिए कि आप लोगों का एटीएम कार्ड 110% आप लोग के होम एड्रेस पर डिलीवर हो जाए। देखिए कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग मिस्टेक करते हैं, उसी में थोड़ा सा अगर स्मार्ट काम कर देते हैं तो हमारा एटीएम कार्ड इजीली हमें रिसीव हो जाता है। देखिए बेसिकली एटीएम अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हो तो आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, करीबन 15 से 20 दिन के अंदर में आपका एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड आपके होम एड्रेस पर डिलीवर हो जाता है, मैक्सिमम 15 से 20 दिन, ठीक है। इसके अलावा आप लोग के पास हफ्ते में डेढ़ हफ्ते में भी आपके पास आपका एटीएम कार्ड आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए वो कौन सा मिस्टेक है जिसे आप लोग करते हो और आप लोग को क्या सुधरना है, तो इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, और चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एटीएम फॉर्म के बारे में। तो देखिए जब यहाँ पर आप लोग को करेक्शन करना है कि इसमें करेक्शन करना है एटीएम फॉर्म में, तो देखिए जब भी आप एटीएम फॉर्म को फिल करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर एटीएम फॉर्म डाउनलोड कर चुका हूँ, तो आप लोग या तो होम एड्रेस में आप एटीएम फॉर्म ले सकते हैं, मिल जाएगा आपको, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो एड्रेस लाइन दिया गया है यहाँ पर, तो दो एड्रेस लाइन दिया गया है, एक है मेलिंग एड्रेस, दूसरा है परमानेंट एड्रेस, ठीक है। सॉरी, तो देखिए जब भी आपका एटीएम कार्ड आपके पास आता है डिलीवर होने के लिए, ठीक है, तो उसमें दो एड्रेस लिखा होता है, एक होता है परमानेंट एड्रेस, एक होता है मेलिंग एड्रेस, ठीक है, दोनों एड्रेस होता है। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एटीएम आपके होम एड्रेस पर डिलीवर क्यों नहीं हो पाता है। तो देखिए इसके लिए एक मेन रीज़न है, जो कि मेन रीज़न ये है कि जो एटीएम कार्ड आता है गाइस उस पर केवल आपका नाम लिखा होता है, आपके पिताश्री का माताश्री का नाम नहीं लिखा होता है, आपका एड्रेस लिखा होता है और आपका केवल नाम लिखा होता है। और देखिए गांव के जो पोस्टमैन होते हैं बहुत ही कम ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि आपका घर कहाँ पर है और आपका नाम क्या हुआ है, मतलब आपको बहुत कम ही पोस्टमैन जानते होंगे, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में आप लोग का होता ये है कि जब वो लोग नहीं पाते हैं, आपको नहीं खोज पाते हैं, तो वो लोग उसी प्रोडक्ट को फिर से रिटर्न कर देते हैं, ठीक है, वो फिर से चला जाता है बैंक में, यानी बैंक के ऑफिस में, इसके बाद आपको नहीं मिल पाता है, इसलिए आप लोग को मिलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और सेकेंड ऑप्शन ये है कि देखिए जो मैं आप लोग को ट्रिप्स और मतलब सॉल्यूशन यहाँ पर देने वाला था कि आप लोग क्या करोगे, तो आप लोग यहाँ पर जो देख सकते हो कि परमानेंट एड्रेस जो लिखा हुआ है, इसमें आप लोग एक काम कर सकते हो कि ऊपर वाले में मेलिंग एड्रेस में अपना एड्रेस दे दो, और सेकंड में परमानेंट एड्रेस में अपना एड्रेस का एक छोटा सा अपने गांव का नाम लिखो, इसके बाद अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो। क्योंकि यार कॉन्टैक्ट नंबर देने से ये होगा कि जब भी डाकिया पोस्टमैन के पास आएगा तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पर शो होगा और तुरंत आपको कॉन्टैक्ट करके या आपके फ़ोन के ज़रिए आपके पास आपका एटीएम कार्ड डिलीवर कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इजीली ले सकते हो अपना डेबिट कार्ड। वीडियो पसंद आया होगा तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना।